हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो यूपी स्पेशल की बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश की जीके, मतलब उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आते हैं आरओएआरओ में, एपीएस में, यूपी पीसीएस में, पेट में, सब कुछ इसमें कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जीके के। तो 8 से 10 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं आरओएआरओ के प्रीलिम से पहले और मेन से पहले, तो पूरी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है आशीष तिवारी। चलिए, तो सबसे बेसिक चीज, उत्तर प्रदेश भैया बना कब था? तो 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956। तो पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था। अब उत्तराखंड अलग कब हुआ? तो ये 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तराखंड कब अलग हुआ यूपी से? 1 नवंबर 2000। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इन्हीं में से मिलेगा, एश्योरेंस है मेरी, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, गारंटी देके कह रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो भैया उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन हुई है 1 नवंबर 1956 को। सीएम कौन है? पता है सबको। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भैया पॉपुलेशन के मामले में नंबर वन है। तो हमारे भैया बहनी बहुत ज्यादा है यहाँ। अराउंड 2011 सेंसस में 19,98,12,371, मतलब 20 करोड़ के आसपास थे। अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, तो नंबर वन है पॉपुलेशन में। एरिया में, मतलब राज्यों की सूची देखी जाए कि चौथा सबसे बड़ा राज्य देश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश चौथा है। अब पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है एमपी, तीसरे पे है महाराष्ट्र। क्या कमेंट बॉक्स में नंबर वन पॉपुलेशन बता सकते हो किस राज्य की, जरा बताना। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद कर लो आता है, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है? तो 18 भागों में डिवाइड करा गया है उत्तर प्रदेश को, 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। इकोनॉमिक रीजन 4 हैं, इकोनॉमिक रीजन 4 हैं इसमें, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 हैं। ये तीन डाटा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए उसमें देखा होगा ये आए हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है, इकोनॉमिक रीजन 4 है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 18 है। ठीक है, अब चलिए इसके मैप की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मैप की, देख रहा होगा आपको, तो भैया उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है। कौन से हैं वो 8 राज्य? तो देखो, नीचे एमपी है, ठीक है, राजस्थान है, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है, और आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल। तो इन सब 8 राज्यों से शेयर करता है, याद रखिएगा 8 राज्य, ठीक है, और यूटी कौन सी है? दिल्ली। अब इनमें से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो ये है कि अकेला सोनभद्र जो नीचे आपको इधर दिखेगा, वो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। मतलब उससे आप एमपी भी जा सकते हो, उससे आप छत्तीसगढ़ भी जा सकते हो, उससे आप झारखंड भी जा सकते हो, है ना, उससे आप बिहार भी जा सकते हो। तो सोनभद्र 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है सोनभद्र। ठीक है, नेपाल वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, तो और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भैया सीमा भाभी सिद्धार्थनगर एंटर करती है नेपाल से, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिद्धार्थनगर तो इंपॉर्टेंट हुआ ही, बाकी के राज्य भी जो बॉर्डर शेयर करें इंपॉर्टेंट है। तो कैसे? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, है ना। तो ये मैप को रट लो एकदम, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, आपका बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, तो ये एकदम आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, अब यूपी के मैप में आपको एक चीज दिख रही होगी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो यूपी का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है बलिया। क्या है? बलिया। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका है शामली। कौन सा है? शामली। और नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है सोनभद्र। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सोनभद्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया एग्रो क्लाइमेटिक देखिए, अब उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ? तो लिटरेसी रेट है 67.7%, जिसमें से मेल का ज्यादा है। आपको ये याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मेल का आप इतना याद रख लो 77 के आसपास, और फीमेल 57.2, क्योंकि भैया आर ओ आर ओ में डाटा बहुत पूछता है। लास्ट ईयर पूछा था कि उत्तर प्रदेश में लेबर की कितनी परसेंट है, तो एकदम फैक्चुअल डाटा बहुत आता है, तो याद करना पड़ेगा। सेक्स रेशियो, मतलब 1000 मेल पे 912 फीमेल है उत्तर प्रदेश में। तो भैया देख रहे हो, आधे लोग कुंवारे रह जाएंगे ऐसे, तो है ना, तो इसलिए सरकारी नौकरी तो चाहिए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 829 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, और इनमें से भी सबसे घनी आबादी इलाहाबाद की है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको हम, ठीक है। अब इस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उत्तर प्रदेश की स्टेट लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। हाँ, उर्दू भी है, अब योगी बाबा हटा दें तो वो अलग चीज है ना। तो उर्दू कब बनी थी उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये, 1989 में, ठीक है, 1989 में। स्टेट एनिमल है इसका बारहसिंगा,
स्टेट प्लांट है अशोका, ठीक है, स्टेट प्लांट कौन सा है अशोका, और स्टेट फ्लावर, सॉरी मैंने प्लांट लिख दिया, स्टेट फ्लावर है पलाश, स्टेट फ्लावर क्या है इसका पलाश, और स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, भाई जो आरएफ ले गया था सारस क्रेन। अब देखते हैं यूपी किन चीजों में भैया नंबर वन है, तो देखो यूपी नंबर वन है वीट प्रोडक्शन में, मतलब गेहूं में, ठीक है, पोटैटो में, शुगर केन में, मतलब भैया शुगर केन प्रोडक्शन बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, पोटैटो शुगर के वीट पोटैटो शुगर केन हो गया, ठीक है। अब आपका पहले रेल रूट भी कह सकते हो, सबसे ज्यादा रेल रूट और बैंक ब्रांचेस, ठीक है। अब नंबर दो पे है राइस प्रोडक्शन में, नंबर दो पे है, पहले मिल्क में नंबर वन था, अब नंबर दो पे आ गया है किस पे, आपका मिल्क प्रोडक्शन में, नंबर एक पे राजस्थान पहुंच गया नए डाटा के हिसाब से, है ना। और लाइव स्टॉक मतलब जानवर पशुपालन में भी लाइव स्टॉक, इसमें भी नंबर दो पहुंच गया, नंबर एक पे राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, वीट में नंबर वन, पोटैटो में नंबर वन, शुगर केन में नंबर वन, रेल रूट सबसे ज्यादा, बैंकिंग ब्रांचेस ज्यादा, दूध और दही मतलब दूध और जानवर पालने में नंबर दो पे हैं, राइस में नंबर दो पे हैं, राइस में नंबर एक पे वेस्ट बंगाल आ गया है, राजस्थान मिल्क में नंबर एक पे आ गया, लाइव स्टॉक में नंबर एक पे आ गया। तो आपको इतना डाटा भैया ऐसे चाट लेना है, है ना, डोरेमोन की ब्रेड लगाओ इसमें खाओ या कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, इसको याद होना चाहिए, तभी भैया यूपी स्पेशल के क्वेश्चन सही हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। और हाँ एक चीज और, आप मेरे शॉर्ट्स देखा करिए, उसमें बहुत जो भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है मैं सब उसमें बताता हूँ। आप अगर उस शॉर्ट्स को डेली देखोगे ना, गारंटी से कह रहा हूँ एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन शॉर्ट्स से ही आएंगे, ये बात मेरी आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।